बिलासपुर में करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेजों में अतिरिक्त तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर से बिना सील के फर्जी नामांतरण करने के मामले में तत्कालीन पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। इस केस में 2 माह पहले भू अभिलेख शाखा के अधीक्षक को हटाया गया था। नक्सलियों ने अंतागढ़ विधायक अनूप नाग को धमकी दी है। नक्सलियों ने नाग को आदिवासी विरोधी करार देते हुए खदान मालिकों का एजेंट और पुलिस बुद्धि से चलने वाला निरूपित करते हुए धमकी दी है। नाग को धमकी मिलने के बाद से ही उनकी सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। जांजगीर जिले के नैला स्टेशन से एक कोयले से भरी मालगाड़ी मध्य प्रदेश के जैतहरी जा रही थी। मालगाड़ी नैला स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी कि कुछ दूरी में जाकर यह डिरेल हो गई। इस गाड़ी के 4 डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। डिरेल की आशंका लोको पायलट को भी हो गई थी और तेज आवाज सुनकर उसने तत्काल गाड़ी रोक दी। रायपुर टिकरापारा इलाके के मठ पुराना रिंग रोड में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। सड़क पर बेतरतीब बाइक चलाते इन बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर चाकू चला दिया था। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती बताया गया है। बीती रात की सुबह 3 बजे कवर्धा के पूर्णी पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर दूर वर्मा पेट्रोल पंप में खड़ी ट्रक से चोरों ने 200 लीटर डीजल की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके चोरी की पूरी वारदात वर्मा पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन आरोपियों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। कवर्धा जिले के बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जामुन पानी के आश्रित ग्राम बोदल पानी में आकाशीय बिजली गिरने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। शुक्रवार को बारिश होने पर अचानक चरवाहा अपने जानवरों के साथ पेड़ के नीचे सर छुपाने के लिए ठहरा था। उसी दौरान अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिर गई, जिससे घटनास्थल पर ही 11 मवेशियों की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड़ पुलिस व साइबर सेल की टीम ने ओड़ार बांध के गोधना जंगल में जुए की फड़ में दबिश देकर 50,110 रुपए के साथ 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन और ताश पत्ती भी जब्त की गई है। भिलाई से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने मनगट्टा आए युवक अब्दुल की खदान में डूबने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 3 से 4 बजे के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद सोमनी पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने युवक के शव को खदान के गहराई वाले हिस्से से बाहर निकाला। बस्तर जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना बास्तानार में आंगनबाड़ी केंद्र बोरजा पटेल पारा में एक बड़ी दुर्घटना टल गई। यहां बारिश होने से जर्जर भवन की छत के प्लास्टर का बड़ा हिस्सा उखड़कर गिर गया। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में नाबालिग आदिवासी बालिका से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के मामले में भानु प्रतापपुर विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण नीलम ने आरोपी को क्रमशः 20 वर्ष कारावास 5,000 अर्थदंड और वहीं 10 वर्ष का कारावास 2,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। कांकेर जिले के अघन नगर में दुर्लभ वन्य जीव गोह को अवैध रूप से घर में रखने वाली महिला को वन विभाग ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।
धमतरी जिले के अर्जुनी थाना पुलिस व साइबर सेल की टीम ने हफ्ते भर पहले 35,000 के किराना सहित अन्य सामान चोरी होने के मामले में 4 चोरों को पकड़ा है। पकड़े गए चोर शहर से लगे गांव के हैं। आरोपियों से चोरी का कुछ सामान भी जब्त किया गया है। बलौदाबाजार जिले की सिमगा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से गुमशुदा नाबालिग युवती को हैदराबाद से बरामद कर नाबालिग को भगाकर हैदराबाद ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार जिले की ही लवन पुलिस ने नाबालिग युवती को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के बाद उसे भगाकर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ले जाने वाले आरोपी धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया है। भोपालपट्टनम ब्लॉक में अवैध सर्प से सागौन की बिक्री के मामले में छापामार कार्रवाई में दंतेवाड़ा वन विभाग के अमले ने करीब 4 लाख का चिरान जब्त किया है। रालापल्ली निवासी बढ़ाई सदानंद बैरौजी के घर धावा बोलकर 6 नग स्लीपर, 8 सागौन के गोले, 22 नग बाउंड्री से घिरे खम्बे व 1 आरा मशीन को जब्त किया है और कार्रवाई भी की है। रायगढ़ के रेलवे सुरक्षा बल ने सिंदेही वाही स्थित फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक प्रशांत दंडवे को 10 नग अवैध टिकट कीमत 10,364 रुपए का पर्सनल आईडी से रेलवे टिकट बनाए जाने पर रेल अधिनियम की धारा 143 का अपराध पाकर कार्रवाई की गई है। जामुल थाना क्षेत्र के आम्रपाली अपार्टमेंट के पीछे बारिश से हुए जलभराव में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। कुछ लोगों ने यहां जेसीबी से 10-12 फीट गहरा गड्ढा कर दिया था जो कि पानी से भर गया था। इससे यहां खेलने पहुंचा मासूम युवराज समझ नहीं पाया और पानी में डूब गया। भिलाईती चिरोदा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 38 स्टोर पारा में 32 वर्षीय युवक सुभाष स्वाई ने सटोरियों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। जीआरपी को घटनास्थल से एक सुसाइडल नोट मिला है जिसमें उसने खुदकुशी के लिए 8 लोगों को जिम्मेदार बताया है।